गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट करना, फिर 1A का पहला नोट करना। इसमें आपको इसको इंडियन प्लेस वाली चार्ट की तरह अरेंज करना है, फिर उसके बाद उसको नंबर नेम में लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन नोट किया है 7435891622, तो 1s 10s 100, 1000 10000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, ठीक है। तो उसका हमें पता ही है कि इसमें इंडियन प्लेस वाली चार्ट में दो दो का पीरियड होता है, उसमें तो दो दो के बाद कॉमा आएगा, ठीक है। तो ये 74, 35, 89 और लास्ट में 3 डिजिट से पहले आएगा 1s 10s 100, ठीक है। और फिर इसको आप इसको नंबर नेम में लिखोगे तो क्या है, ये 74 करोड़, ठीक है, 35 लाख और 89,162। उसी तरह सेकंड 65001450, तो 1s 10s 100, 1s 10s 100, 1000 10000, 1000 10000, फिर लाख, फिर करोड़, ठीक है, करोड़ फिर 10 करोड़, 65,14,580। उसी तरह सी क्वेश्चन देखिए 6041579, तो 1s 10s 100, 1s 10s 100, 1000 10000, 1000 10000, फिर लाख 10 लाख, 10 लाख में जीरो आएंगे, 04, ठीक है, फिर 6, यानी कि 6,04,15,000, ठीक है, 15,709। उसी तरह डी क्वेश्चन देखिए 30,10,279, तो 1s 10s 100, 1000 10000, लाख 10 लाख, कॉमा फिर 3, तो 3,01,279। फिर क्वेश्चन नंबर ई 9410,00,35, तो 1s 10s 100, 1s 10s 100, 1000 10000, लाख 10 लाख, कॉमा करोड़ 10 करोड़, तो 94 करोड़, उसके बाद 10,35,000, ठीक है। उसके बाद एफ क्वेश्चन देखिए 504409008, ठीक। तो उसके बाद आपको करना है इसमें कॉमा लाना, 1s 10s 100, 1000 10000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, 50 करोड़, 44 लाख, 9008, ऐसे करना है। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 नोट करोगे, ठीक है, और इसमें इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशन करना है। एक आपके लिए कर रखा है, ठीक है, इसी में से देख के कर लेना, बाकी के मैं करा रही हूँ। तो ये देखिए, तो 1s 10s 100, 1000 10000, 100000 आता है इसमें इंटरनेशनल में, ठीक है। फिर उसके बाद मिलियन स्टार्ट हो जाता है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक। तो ये कितना हो गया, 953,624,974। उसी तरह हम दूसरा करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए 4000045000, तो ये देखिए 1s 10s 100, 1000 10000, 100000, ठीक है। और फिर उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, यानी कि 400,045,000, ठीक है। उसके बाद 63000,03,607, तो 1s 10s 100, 1000 10000, 100000, 1000,000,000, तो 63,003,607। उसी तरह 90070017, तो इसका 90,070,017। उसके बाद ई क्वेश्चन 106201200007, तो ये हो गया 106,000,000, ठीक है, 201,000, और ये क्या बच गया, 7, ठीक। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट राइट अ न्यूमेरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। थर्ड का ए, पहले आप क्वेश्चन नोट कर लोगे आप, ठीक, जैसे मैंने नोट कर लिया, क्वेश्चन नोट किया हमने, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसा चार्ट बनाना है, ठीक है, मिलियंस, थाउजेंड, वंस, वंस, थाउजेंड या मिलियंस। तो वंस में 3 पीरियड होगा, वंस 10s 100, थाउजेंड में 1000 10000 100000, मिलियंस में मिलियन, 10 मिलियन 100 मिलियन, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए इसका क्या है, अब जो जो उसने बोला वो हम इसमें नंबर चार्ट में डालते जाएंगे। पहला क्या, 53 मिलियन, तो 53 मिलियन इसमें आएगा, 100 मिलियन आएगा भी, तो 53 मिलियन। फिर क्या, 224,000, तो 224,000 में आएगा। फिर क्या बचेगा, 539, तो 539, ठीक है। और फिर कॉमा लगा लोगे आप, 53, फिर 224 एक साथ, फिर कॉमा, फिर जो बच गया उसके साथ लिख देंगे, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखिए 807,005,065, तो उसी तरह चार्ट बनाओगे 1000 मिलियंस का, तो 1s 10s 100, 1000 10000, 100000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। अब जो जो उसमें बोला है न्यूमरल, उसमें हम पुट अप करेंगे 807, तो 800 में और 7 है तो 07, ठीक है। 5000 यानी कि 100 में भी नहीं है, 10 में भी नहीं है, तो 5 है, तो 05 जो हो गया वो, उसके बाद 70 हो गया 65,
तो ये कॉमा लग जाएगा 807,005,065, ठीक है। सी क्वेश्चन देखिए, 88 यहाँ पे वाई है, 88,290,000। अब देखो मैं इसे करके दिखाती हूँ। अब क्या है 88 मिलियन, तो 100 में नहीं है यानी कि 88 मिलियन। उसके बाद क्या है 290,000 में यानी कुछ नहीं है यानी कि 290। अब जो बच गया उसमें जीरो लगा दो, ठीक है। तो नंबर क्या बनेगा आपका 88,000,290, ठीक है। उसी तरह 503,105,066 ऐसे बनाना है। तो ये मैंने चार्ट बना रखा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 503 मिलियन यानी कि 503 मिलियन, ठीक है, यानी 03। उसके बाद क्या बोल रहा है 105,000, तो 105,000 में आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है 63, यानी 100 में नहीं है 0, तो 63। अब इसको अरेंज करेंगे 503,105,063, ठीक है। उसी तरह आप ये दो भी ऐसे करोगे, ठीक है, अपने आप, ठीक है स्टूडेंट्स।